सो हाई यू वर्ड्स को वेलकम टू माई एच डी पे शोन दुबे। तो आज आपको बताऊंगा फिंचर्स में फेदर प्लकिंग क्यों होती है। फिंचर्स में नहीं, कोई भी बर्ड्स में फेदर प्लकिंग क्यों होती है, वो खुद से अपना फेदर क्यों निकालते हैं। पहले तो जो रीज़न है वो स्ट्रेस के कारण। दूसरा, अगर आप उन्हें केज से बाहर नहीं निकालते, और केज मतलब छोटा है उनका, बहुत ज़्यादा छोटा है उनके लिए, और केज से बाहर कभी आते नहीं है, एक ही जगह पड़े रहते हैं शांति से, आपके पास एक ही पैर या एक सिंगल है, आप खाली एक मिरर लगा दिए, कैल्शियम ब्लॉक ये सब लगा दिए, एक जगह पड़े हैं और उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहे, केज से बाहर अभी उसको कोई निकालता नहीं है, तो फेदर प्लकिंग वो करेंगे ही। दूसरा जो है, जब भी हम देखो फिंचर्स, क्योंकि जो है हमारे नेस्टिंग बर्ड्स होते हैं फिंचर्स, वो अफ्रीकन्स ये सब नेस्टिंग बर्ड है, क्योंकि ये नेस्ट बनाते हैं, कभी आप घास डाल देकर नेस्टिंग मटेरियल जब नेस्ट बॉक्स लगाओ तो नेस्ट बॉक्स लगा दिए तो घास डालना कंपलसरी, अगर नहीं डालोगे तो जो फीमेल क्या करेगी, अपना फेदर प्लग कर करके उसमें मतलब अपने फेदर से नेस्ट बनाएगी। कभी कभी बजिस करते हैं, वो कुछ खास नेस्टिंग तो नहीं करते, आज तक मैं नेस्टिंग करते मैंने देखा, एक वीडियो में कह देखा था मैंने कि बजिस नेस्टिंग कर रहे हैं। तो हाँ, फेदर प्लकिंग एक ये भी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो ख़राब फेदर्स होते हैं, कभी कभी फिंचर्स को जो मतलब कोई भी बर्ड को जो अगर कोई ख़राब टूटा हुआ फेदर चुभता है तो वो निकालते हैं, तो वो निकालते निकालते उनको कभी कभी आदत हो जाती है। तीसरा कारण, अगर आपके उस बजीज से मतलब इसे आपने मिक्स एवियरी की है फिंचर्स के साथ, आपने कोई ऐसे एग्रेसिव बर्ड रखा है तो पीआई में रखा है आपने, और ये जो नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड कर दिया है तो टेरिटोरियल बिहेवियर हो जाएगा बर्ड्स का, जैसे आप ये ब्लैक वन को देख सकते हो, ब्लैक बेरी को डेबर्थ रे कैमरा चालू है इसलिए देखो, तो पीछे से हल्का सा बाल गायब है, पूंछ का बाल थोड़ा गायब है। ये मैं बजिस से किया था 2 साल पहले, अभी तक वहाँ पे कुछ आया नहीं। मैंने उसका ट्रीटमेंट भी किया था, मतलब ये जो चेस्ट फेदर से चार्ट के सारे फेदर उखाड़ दिए थे, तो ट्रीटमेंट किया था वो, यहाँ यहाँ पे तो आराम से फेदर निकालती थी, मतलब ये दवाई लगवाती थी, लेकिन सर के पीछे लगाया नहीं देती थी वो। कोको देखो एकदम पूरा हेल्दी है, क्योंकि कोको वो टाइम पर बहुत एक्टिव था और इधर उधर भागता था वो, और मैं केज भी था, मतलब साइज में बड़ा था, ये केज नहीं था, इससे बड़ा केज था जो कि टूट गया नीचे से और मेरे को फेंकना पड़ा। इससे बहुत अच्छा केज था वो, इससे बड़ा केज था वो, जैसे कि आपने वो कोकाटेल का केज देखा होगा, एकदम सेम टू सेम वही केज था। तो इधर उधर भागते थे, कोको बच जाता था जो ये ब्लैक बेरी है, ये जब 1 महीने की थी, इसका चोंच जब काला था ब्लैक में था, तब से मेरे पास से इसको उड़ना भी नहीं आता था। और कोको को भी खरीदा था, कोको था सेमी एडल्ट था हमारा, तो कोको जो है सेमी एडल्ट, जब ये लोग एडल्ट हो गए उसके बाद ही मैं बजीज लाया, तब बजीज का प्राइस मार्केट में 350 रुपीज पेयर था, तो साथ में था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो कैल्शियम ब्लॉक खा रही है, कैल्शियम ब्लॉक आप देख सकते हो कैसा लोग खा खा के, मतलब ये प्रूफ है कि मेरे बॉस कैल्शियम ब्लॉक खाते हैं। देखो ये कैल्शियम ब्लॉक को देखो, अगर ये कैल्शियम ब्लॉक की जल्दी कोई हाथ भी नहीं लगाता, क्या होता, क्या दुश्मनी है क्या इससे। मैं कोको को वो कैल्शियम ब्लॉक बहुत पसंद है, हमेशा उसको ही खाते रहता है वो, इसको जल्दी कोई हाथ लगाता, कभी कोई ब्लैक बेरी आके मतलब थोड़ा खाना शुरू कर दी तो कर दी। और सेकेंड रीज़न, आपको अपना केज क्लियर एकदम क्लीन रखना चाहिए। देखो आप ज़्यादा गंदगी नहीं दिख रही होगी, खाए कुछ सीड्स पड़े हुए, तो क्योंकि ये मतलब सीड्स गिराते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, तो सीड्स पड़े हुए और कुछ ज़्यादा कुछ गंदगी भी नहीं है, केज साफ रखें, क्योंकि आप केज अगर गंदा होगा 10 दिन में 11 दिन में अगर एक बार साफ करते हो, परचेस गंदा होंगे भी उनका प्रूफ लगा होगा। देखो परचेस देखो कितना क्लीन है मेरे, परचेस देखो कितना क्लीन है, परचेस सब क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो मतलब गंदा रहेगा तो उसके अलावा माइट्स, जो माइट्स होते हैं जो फिंचर्स में कभी कभी आ जाते हैं, बर्ड्स में आ जाते हैं कभी कभी, वो पनपने लगेंगे वो थोड़े बड़े, और फिर वो आपके बर्ड्स में आएंगे तो फिर बर्ड्स इचिंग करते करते अपना फेदर प्लक करने लगेगी, तो ये भी एक रीज़न होता है। आप कभी फिंचर्स को मतलब ऐसे केज में ना रखें, इधर छोटे से केज में ना रखें फिंचर्स को, तो आप बड़ा केज होना चाहिए, कि अभी हमारे बजिस हो गए, कोकाटेल्स हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, तो वो थे च्यूवी बर्ड्स थे, उनको ऐसा वुड चाहिए होते च्यू करने के लिए, उनको टॉर्च चाहिए थे च्यू करने के लिए, वो ऐसे इधर घूमते रहते, इतना उड़ते नहीं है, इन पर घूमने के तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जंप करते हैं और उड़ते हैं खाली। हाँ, तो ऐसे मैं आपको बताया था
आपको जो एक वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो वुड कैसा होना चाहिए, तो आपका वुड देखो एकदम ऐसा होना चाहिए, ये ट्री वुड है ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे उनका जो ग्रिप है अच्छे से बनता है, लेकिन जो ये है इस पर इतना अच्छा ग्रिप बनता नहीं है। मैं कोको का आप ध्यान से रखोगे तो यहाँ से नाखून गायब है, ये भी बजिश ने किया था यहाँ पे। ओए कोको दिखा सकता, अभी नाखून दिखा नहीं रहा अपना ये। तो चलो आपकी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।